ऊना में बढ़ते सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। ऊना में आरटीओ ऊना व अन्य सामाजिक संस्थाओं द्वारा बिना हेलमेट पहने लोगों को फूल देकर हेलमेट पहनने के लिए जागरूक किया गया। वहीं बड़ी गाड़ियों को रिफ्लेक्टर लगाए। आरटीओ ऊना की माने तो लोग जब भी सड़क पर निकलते हैं तो उनमें काफी लोग सड़कों के नियमों का पालन नहीं करते हैं, जिस कारण कई बार सड़क हादसे होते हैं। सड़क हादसों में कमी आ सके इसलिए लोगों को सड़क हादसों के प्रति जागरूक किया जा रहा है और उन्हें यातायात नियमों के बारे में भी बताया जा रहा है। बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट पहने लोगों को चेतावनी देकर छोड़ा जा रहा है, लेकिन अगर वे फिर दोबारा बिना हेलमेट पहने पकड़े जाते हैं तो फिर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अवेयर कर रहे हैं और इनको रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि भी आपकी ज़िंदगी अनमोल है, राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए, सबके लिए आपकी ज़िंदगी बड़ी अनमोल है। तो इसलिए हम उनको अभी तक अवेयर कर रहे हैं, अगर बाद में नहीं मानेंगे तो हम पुलिस के साथ जो इनको पेनलाइज भी करेंगे। इसके अलावा आज क्या अभियान कटोसा छेड़ा गया है? आज स्पेशली जनहित मोर्चा के साथ मिलके हमने जो ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ होती हैं उनके पीछे रिफ्लेक्टर नहीं लगे होते हैं, रात के समय में टू व्हीलर जो है वो उनको दिखाई नहीं देता और उसके साथ एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसलिए हमने ये सोचा था, एसपी साहब से हमने डिस्कस किया था तो उन्होंने बोला था कि रिफ्लेक्टर प्लेट लगाने का एक अभियान चलाते हैं। तो जनहित मोर्चा के साथ मिलकर हमने आज ये अभियान छेड़ा हुआ ताकि दुर्घटनाएँ जो कम हो। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान के तहत आगामी क्या क्या योजनाएँ हैं सर? हमारा एक मंथ का प्रोग्राम है, आज 16वां दिन है, हमने हर दिन नई नई एक्टिविटी की है, आगे भी हम प्लान करेंगे और पब्लिक के साथ मिलके, एनजीओ के साथ मिलके, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके, बाकी जो स्टेक होल्डर है उनके साथ मिलके, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ मिलके, हर जगह जो हमने नए अभियान इसके सड़क सुरक्षा के बारे में जारी रखे हैं। रोड सेफ्टी क्लब के प्रेसिडेंट हैं, इनका भी बहुत बड़ा सहयोग है, जहाँ भी इनको हम बुलाते हैं हमारे को सहयोग करते हैं और हर दिन जो है ये हमारी एक्टिविटी में साथ देने के लिए तत्पर रहते हैं। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आगे भी इनका सहयोग रहेगा हमारे साथ।